महाराज जी हम रुपया ब्याज पर देते हैं, यही काम से हमारा परिवार का खर्च और बाकी सब चलता है। लेकिन अब मन में आपका सत्संग सुनकर थोड़ी विचलता आ रही है कि ब्याज का पैसा कहीं हमारे लिए पाप का साधन तो नहीं बन रहा। हमारी बैंक के ब्याज से तो लाखों लोगों का जीवन चलता है। देखने में आता है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग बैंक के ब्याज से अपना जीवन निर्वाह करते होंगे। ये जो ब्याज की निंदा की गई है, वो पूर्व में जैसे जमींदार लोग होते थे ना, 500 रुपए दिए, 500 का वो ब्याज वापस किया, वो ब्याज के ब्याज ऐसे चढ़ा देते थे, को कितनी बार 500 दे ले और वो मुक्त नहीं होगा। तो इस तरह के जो गलत व्यवहार जनित ब्याज का भाव रख करके शोषण किया जाता था, उसके लिए है एक नियम है सरकारी हिसाब से। जैसे तो आप जो प्रतिशत, खुली बात है, इतने प्रतिशत ब्याज इसका है, जहां तक हो सके सौहार्द रख करके उसको, उसका सेवा का भी काम बन गया, आपका भी काम चल रहा है, महीना दो महीना हो गया तो उसका ब्याज उचित ले लीजिए। अगर कोई ऐसा लगता है कि ब्याज नहीं दे पा रहा है तो भाई थोड़े दिन के लिए हम हमारा मूल वापस कर दो, क्षमा करते हैं ब्याज, ऐसा भी व्यवहार कर लेना चाहिए। तो उससे भगवान देख रहे हैं ना, उसे मंगल, शोषण वृत्ति का निषेध किया गया है।